नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी आपके करंट अफेयर्स हाजिर हैं, तो चलिए चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना मत भूलिएगा। अभी हाल ही में एक राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए उनको ऋण देने के लिए, क्योंकि जब भी आप कहीं ऋण लेने जाते हैं या लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे क्या मांगता है, कुछ गिरवी रख दो या कोलेटरल दे दो, कुछ संपत्ति रख दो। लेकिन ऐसे किसानों को कोई लोन नहीं देता जिनके पास वाकई में जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी वो खेती करते हैं दूसरे की जमीन पर। और ऐसे लोगों को लोन देने के लिए अभी बलराम योजना शुरू की गई है। ये किस राज्य ने शुरू की है इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन पहले आपको ले चलते हैं देश में आने वाली प्राइवेट ट्रेनों के बारे में बताते हैं। आप सभी को पता है कि तेजस एक्सप्रेस देश की पहली प्राइवेट ट्रेन थी जिसको IRCTC चला रहा था। इसको लखनऊ से दिल्ली चलाया गया था और आज भी ये ट्रेन चल रही है। इसके बाद इसकी अपार सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ और फैसले किए हैं और कुछ और ट्रेनों को प्राइवेट चलाने की बात की है। तो रेल मंत्रालय ने 151 पूरा सगुन किया गया है यहां पर, आधुनिक यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए निजी क्षेत्र से कॉन्ट्रैक्ट मंगाए हैं। निजी क्षेत्र से बोला है कि आप बिड लगाओ। ये रेलगाड़ियां भारतीय रेल के पूरे नेटवर्क पर 12 समूहों में चलाई जाएंगी, यानी कि इनके 12 ग्रुप होंगे। प्रत्येक रेलगाड़ी में 16 डिब्बे होंगे। भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन में निजी निवेश का यह पहला प्रयोग है। इस तरीके से भारतीय नेटवर्क जो है उसमें प्राइवेट ट्रेन चलाने की बातचीत की गई है। इसके बाद इस परियोजना में निजी क्षेत्र से तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। परियोजना में ज्यादातर रेलगाड़ियां भारत में निर्मित होंगी और निजी कंपनियां ही इनकी खरीद, संचालन और रखरखाव कर पाएंगे। इन रेलगाड़ियों की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर रखी गई है और उसी के अनुरूप इन्हें बनाया गया है और इससे यात्रा के जो समय है उसमें कहीं ना कहीं बचत आएगी। इस पहल का उद्देश्य रेलगाड़ियों की आधुनिक तकनीक लाना और रखरखाव के खर्च में कटौती करना, और खासकर जैसा कहा जाता है कि पब्लिक सेक्टर में उस तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया जाता जितना प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है, तो इस तरीके की एक नई पहल यहां पर लॉन्च की गई है। वैश्विक स्तर की सुविधा देने के लिए यहां पर बात की गई है। इससे लोगों की यात्रा मांग और आपूर्ति के अंतर में भी कमी आएगी, क्योंकि आज एक भी आप देखते हैं कि किसी भी ट्रेन के लिए आप रिजर्वेशन कराना हो तो कम से कम 2 से 3 महीने पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता है, तब जाके हमें वहां ट्रेन पर टिकट मिलती है। तो इसको भी थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया जा रहा है। याद रखने योग्य बातें इस न्यूज में ये हैं कि भारत सरकार या रेलवे, भारतीय रेलवे कितनी आधुनिक यात्री रेल चलाना शुरू करने वाला है, 151, कितने क्लस्टर में ये बटा होगा, 12 क्लस्टर में ये बटा होगा। इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, इस तरह से इसका वितरण किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, इसमें ट्रेन में कितने डिब्बे होंगे, 16 डिब्बे होंगे। कितनी स्पीड हो सकेगी, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकेगी। और ये जो 12 क्लस्टर हैं, ये बेंगलोर होगा, चंडीगढ़ होगा, जयपुर होगा, दिल्ली होगा, मुंबई होगा, पटना, प्रयागराज, सिकंदराबाद, हावड़ा और चेन्नई भी इसमें शामिल होंगे। तो इन 12 क्लस्टरों को जोन में बांटा जाएगा और इनका जो मैनेजमेंट होगा वो प्राइवेट कंपनियां ही करेंगी। और इस पूरे अभियान का जो हिस्सा है वो आत्मनिर्भर अभियान ही है। अगली जानकारी को चलें तो जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है चीन के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन। काफी समय से आप इनका नाम सुन रहे होंगे क्योंकि कई सारी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इन्होंने जीती हैं और ओलंपिक में भी धमाल मचाया था। तो लिन डैन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। चीन के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने 4 जुलाई को बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। डैन सर्वकालिक महान बैडमिंटन खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल है। उन्होंने अपने कैरियर में बैडमिंटन के 9 प्रमुख खिताब जीते हैं जिसमें विश्व चैंपियनशिप के 5 स्वर्ण पदक भी शामिल है। लिन डैन ओलंपिक खेलों में 2 बार और वर्ल्ड चैंपियन में 5 बार विजेता रह चुके हैं। उन्होंने 2008 में बीजिंग और 2012 में लंदन ओलंपिक खेलों में पुरुष एकल के स्वर्ण पदक जीते हैं। लिन डैन ने 2006, 2007, 2009, 2011, 2013 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 2005, 2006 में उन्होंने वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। 2019 में लिन डैन ने अपने कैरियर का दूसरा मलेशिया ओपन खिताब जीता था। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि लिन डैन, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है, पहला तो ये पूछ सकते हैं कि वो किस देश के खिलाड़ी है, दूसरा ही आपसे ये पूछ सकते हैं कि उन्होंने मतलब वो किस खेल से संबंधित है। तो लिन डैन का याद रखिएगा, वो बैडमिंटन खिलाड़ी थे और कहां के स्टार खिलाड़ी है, वो चाइना के स्टार खिलाड़ी है। ये 2 पॉइंट जरूर याद रखें। अगली जानकारी की तरफ चले तो इसके लिए तो आप फेसबुक वगैरह में काफी सारे पोस्ट देख चुके होंगे। प्रधानमंत्री जी ने अचानक से लद्दाख की यात्रा की और जो चीन और भारत की सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हुई वहां पर जो घायल सैनिक थे उनसे मुलाकात भी की। तो जहां पर वो गए थे उस जगह का नाम है नीमू केंद्र। नीमू केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित एक छोटा सा गांव है।
यह जांस्कर रेंज से घिरा हुआ है। जांस्कर श्रेणी आपने सुनी होगी, सियोग जांस्कर श्रेणी, सियोग और जांस्कर के बीच से जो श्रेणी है वो जांस्कर श्रेणी कहलाती है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान को हाल ही में समाचारों में देखा गया था क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सैनिकों के साथ बातचीत करने के लिए नीमू की यात्रा की थी। नीमू भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड मुख्यालय है जो कारगिल के पास 11,000 फीट पर स्थित है। सीमा सड़क संगठन जांस्कर घाटी के नीमू में पदुम से एक सड़क निर्माण कर रहा है और जिसका विरोध चाइना जता रहा था। तो हाल फिलहाल प्रधानमंत्री जी नीमू की यात्रा पर थे। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक और सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल में शामिल हो गया। कहां शामिल हो गया ये क्या है? ये है सेंट्रल बैंक और सुपरवाइजर्स, इनका एक नेटवर्क है जो ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हो गया है, जो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को फाइनेंस करते हैं जो आपके सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए लाभदायक है। अब ये सस्टेनेबल इकोनॉमी क्या होता है? सस्टेनेबल इकोनॉमी का मतलब होता है सतत अर्थव्यवस्था। सतत अर्थव्यवस्था एक इकोनॉमी का टर्म आप समझ सकते हैं और आजकल काफी ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है इस शब्द को। इस शब्द का मतलब यह है कि हम पर्यावरण का सुरक्षा और साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा और अपना उद्योग धंधा जो भी है, यानी कि जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट है और उसके साथ साथ हम अपने पर्यावरण सुरक्षा को भी ध्यान में रखें। पहले की तरीके बेतरतीब जंगल ना काटें, पहले की तरीके बेतरतीब तरीके से प्रदूषण ना फैलाएं, किसी तरीके से कार्बन उत्सर्जन को कम करें और ऐसे प्रोजेक्ट लगाएं जिनसे ये सब सारी चीजें हासिल होती हों। जब भी कोई कंपनी कहीं पर प्रोजेक्ट लगाती है तो उसे फाइनेंस की जरूरत होती है और फाइनेंस कौन सी कंपनियां करती हैं? बड़े बड़े बैंक, सेंट्रल बैंक वगैरह आपको फाइनेंस करते हैं। तो ऐसी किसी परियोजना को आप फाइनेंस ना करें या परियोजना को अगर आप फाइनेंस करने जा रहे हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है तो कम से कम आप उसे एक बार देख लें, रिव्यू कर लें और फिर उसके बाद फाइनेंस करें, उस हिसाब से फाइनेंस करें। तो यहां पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो वित्तीय संस्थान है, उनका बड़ा रोल सामने आता है। पैसे नहीं होंगे तो लोग इस तरीके के उद्योग धंधे लगाएंगे भी नहीं, तो कहीं ना कहीं नियंत्रण करने में ये काम आ सकते हैं। तो ऐसा सोचा गया कि चलो कुछ सेंट्रल बैंक मिलकर एक नेटवर्क बना लेते हैं और अब इस नेटवर्क में एशियन डेवलपमेंट बैंक भी शामिल हो गया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये रहेगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में अभी हाल ही में अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं, उन नए अध्यक्ष का नाम आपको कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना है। NGFS, इस शब्द से आप पर्याप्त परिचित हो गए हैं, यह है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। ये सेंट्रल बैंक्स और कई सारे ऐसे बैंक्स का, वित्तीय संस्थानों का एक समूह है जो ग्रीनरी यानी कि सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए बात करता है। इसका पूरा का पूरा मकसद यह है कि किसी तरीके से एक ऐसा नेटवर्क बनाना, किसी तरीके से एक ऐसा सिस्टम बनाना जो पर्यावरण सुरक्षा करे, साथ साथ पर्यावरण में अगर कोई प्रभाव पड़ रहा हो तो उसको लिए लड़ सके और ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम को आगे लेके जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की जाए। और इसमें जो एजेंडा शामिल है वो 2030 का एजेंडा शामिल है। इसे वर्ष 2017 में पेरिस वन प्लैनेट समिट में लॉन्च किया गया था। यह एक स्थायी अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए वित्त जुटाता है। स्थायी अर्थव्यवस्था यानी कि सतत अर्थव्यवस्था, जो बात मैंने आपने की सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात करता है। NGFC केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो वित्तीय क्षेत्र में जलवायु जोखिम प्रबंधन के बारे में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेगा, यानी कि सबसे अच्छी जो प्रथाएं हैं, सबसे अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको लेकर सामने आएगा। तो अब इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी शामिल हो गया है। यहां पर थोड़ा सा उसके बारे में लिखा है कि इस का ऑब्जेक्टिव क्या है। द सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर विलिंग ऑन वॉलंटरी बेसिस टू एक्सचेंज एक्सपीरियंस, शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, contribute to the development of environment and climate risk management in the financial sector and to mobilize mainstream finance to support the transition toward a sustainable economy. Its purpose is to define and promote best practices to be implemented within and outside of the membership of NGFS and to conduct or commission analytical work on green finance. तो बात वही है, green finance की यहाँ पर बात की जाती है, हरा वित्त प्रबंधन, तो NGFC में शामिल हुआ। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। आगे जानकारी के चलते हैं, अगली जानकारी है व्लादिमीर पुतिन। ओ माय गॉड, इस आदमी का तो क्या कहना, राष्ट्रपति बनता है, फिर प्रधानमंत्री बनता है, फिर प्रधानमंत्री बनता है, फिर राष्ट्रपति बनता है। लगातार कई साल से रूस का सर्वोच्च नेता व्लादिमीर पुतिन, हाल ही में ये संविधान, ऐसा संविधान है रूस का कि कोई भी
राष्ट्रपति जो है वो दो कार्यकाल से ज्यादा नहीं रह सकता, तो अब वो भी चेंज करा दिया, उसके लिए भी इन्होंने मेमोरेंडम करा दिया। और फिर उसके बाद जनमत संग्रह करवाया, और जनमत संग्रह में करवाने में ये भी पता चला कि लोग चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ही सत्ता में रहे, और इस प्रकार अब वो 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ वह अगले दशक के मध्य तक यानी 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए तैयार है। रूसी नागरिक संवैधानिक संशोधन पर एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह में मतदान किया था। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा 50% मतपत्र के प्रसंस्करण के बाद परिणामों के प्रारंभिक टैली जारी की और कहा कि 76.24% नागरिकों ने संशोधन के समर्थन में मतदान किया है, और इस प्रकार से अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बने रहेंगे सत्ता पर। देखा जाए तो दिमित्री मेदवेदेव ने इस्तीफा दिया था, और तब रूस के राष्ट्रपति ने एक नया पद सृजन की बात की थी जिसके पास राष्ट्रपति से ज्यादा पावर होगी। दिमित्री मेदवेदेव के बाद उन्होंने मिखाइल मिशुस्टिन को प्रधानमंत्री बना दिया था। रूस देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रूस के अंदर है उतना शायद ही किसी देश के अंदर है, ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास शायद, और ऐसा भी नहीं कि बहुत निरंकुश तरीके से शासन चल रहा हो, अच्छा शासन भी चल रहा है। विश्व की जानी मानी अर्थव्यवस्थाओं में, मतलब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में रूस का नाम आता है, तो आई थिंक वहां सब कुछ सही है और चीजें भी ठीक है, लेकिन एक आदमी काफी समय से पद पर है, ये बड़ी बात है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है प्रिया ठकराल। प्रिया ठकराल को अभी हाल ही में 2020 के लिए डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब डायना पुरस्कार क्या होता है? डायना का नाम आपने सुना होगा, डायना हेडन, ठीक है। तो डायना पुरस्कार की शुरुआत 1999 में यानी कि 1999 में यूनाइटेड किंगडम और दुनिया भर के युवाओं में सामाजिक कार्यों और मानवीय प्रयासों को पहचानने के लिए राजकुमारी डायना की याद में की गई थी। यह पुरस्कार 1 जुलाई को राजकुमारी डायना की जयंती के उपलक्ष्य में दिया जाता है, और आप समझ गए हैं कि ये युवाओं को दिया जाता है, दुनिया भर के युवाओं को जिन्होंने मानवीय प्रयासों से मतलब ऐसा पहचान किया हो, सोशल वर्क किया हो। तो ऐसा ही सोशल वर्क इस बच्ची ने किया है, 13 वर्षीय छात्रा है ये, नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की है, नई दिल्ली से रहने वाली है। उन्होंने एक ऐप डेवलप किया है, रिसाइकलर ऐप बोला जाता है इसे। रिसाइकलर ऐप क्यों डेवलप किया, इससे क्या फायदा है? रिसाइकल से आप समझ गए होंगे चीज, मतलब जो आपका कूड़ा कचरा है उसको, जो डिकम्पोजेबल नहीं है, जिसको नष्ट करना आसान नहीं है, उसको वापस से रिसाइकल कर लिया जाए, उसको वापस से प्रयोग कर लिया जाए, इससे पर्यावरण का नुकसान कम हो जाएगा। तो ये रैग पिकर्स की मदद करते हैं। रैग पिकर्स वो होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो झोला लगा पीछे लगा लेते हैं, मतलब बोरी वगैरह लगा लेते हैं पीछे, हमारे कानपुर के लैंग्वेज में बोरी या झोला बोला जाता है उसे, और उसमें कुछ कूड़ा वगैरह इकट्ठा करते जाते हैं, फिर उसे कबाड़ की दुकान पर बेच देते हैं, वहां से उसको रिसाइकिल प्रोसेस में लाया जाता है। तो इन लोगों की मदद करने के लिए, उन्हें रैग पिकर्स की मदद करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को बेस्ट हैंडलर से जोड़ने के लिए इस ऐप को विकसित किया। कुल मिलाकर एक कम्युनिटी डेवलप की है। कम्युनिटी में क्या होगा, जो अच्छे रैग पिकर्स हैं उनको पता चलेगा कि कबाड़ का दुकान वाला है, मान लीजिए बच्चे ने रैग पिकिंग की, थोड़ा सा जोड़ा अपना सामान वगैरह, कबाड़ की दुकान वाले ने उसका शोषण कर लिया, उसको जो 10 रुपए की चीज थी उसको 2 ही रुपए में दी, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो, उनको उनका बेस्ट प्राइस मिल सके, तो इसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। फिलहाल जो उपयोगकर्ताओं को बेस्ट हैंडलर से जोड़ता है, ऐप के माध्यम से सेवा को दक्षिण दिल्ली के क्षेत्र में रैग पिकर समुदाय के जीवन को बदलने के उद्देश्य अन्य भागों तक विस्तारित करने की योजना है, और ऐसा माना जा रहा है कि इससे रैग पिकर यानी कि जो कूड़ा बिनने वाले जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं उनको फर्क मिलेगा। नाम याद रखिएगा, इनका नाम है प्रिया ठकराल, 13 वर्षीय है, नई दिल्ली से बिलोंग करती है, रिसाइकलर ऐप बनाया है, डायना पुरस्कार मिला है 2020 के लिए। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी भी अच्छी है। लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पुन्नू ने वी रैम 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पुन्नू ने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका, जिसको कहा जाएगा वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका यानी कि वी रैम, 2020 के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड पर 3रा स्थान हासिल किया है, और वो ऐसा करने वाले पहले बन गए हैं, पहले भारतीय बन गए हैं। पुन्नू अंतरराष्ट्रीय अल्ट्रासाइकिल रेस में पोडियम में स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। वो 12 दिनों में 4,086 किलोमीटर की कुल देरी और पुणे के पिंपल निलाक में एक स्टेशनरी साइकिल में 71,000 मीटर की कुल ऊंचाई के साथ ये समाप्त करते हैं। इस बार क्योंकि इसको COVID-19 की वजह से बाहर नहीं शुरू किया जा सका, तो इसको वर्चुअल रेस शुरू की गई। वर्चुअल रेस में क्या होगा, एक स्टेशनरी साइकिल आपने देखा होगा, उसके ऊपर पैडलिंग करनी थी, और उसमें एक मेंटर आपके सामने था, वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, और इस रिकॉर्डिंग के जरिए पूरे दुनिया में आपका प्रसारण हो रहा था, और इस तरीके से आपको इलेवेशन मतलब इतना उसका वजन रखना था कि 71,000 मीटर की कुल ऊंचाई जैसा महसूस होगा एग्जैक्ट इन्वायरमेंट, और उन्होंने 12 दिनों में 4,086 किलोमीटर साइकिल चलाकर यह रिकॉर्ड हासिल किया है।
रैम 2020 में लगभग 22 साल के साइकिल चालकों ने भाग लिया था और साइकिलिंग सर्कल में रैम सबको सबसे कठिन दौड़ में से एक माना जाता है क्योंकि इसको काफी ऊंचाई पर चलाया जाता है। इस बार कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण आयोजकों को इसे वर्चुअली आयोजित करना पड़ा था। तो वी रैम 2020 में हासिल किया है तीसरा स्थान भारत के लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। अगली जानकारी पर चलते हैं, एलिमेंट्स ऐप। आप सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह का प्रयोग करते होंगे, तो एक ऐसा नया कंसेप्ट आया है, सुपर सोशल मीडिया ऐप। सुपर सोशल मीडिया ऐप यानी कि आप एक ऐप के जरिए सभी सोशल मीडिया को एक्सेस कर पाएंगे और जो भी आपको जरूरतें हैं वो एक ऐप पर कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बनाया गया है और इस तरीके से भारत के पास अपना खुद का पहला सोशल मीडिया ऐप आ गया है और इसका नाम रखा गया है एलिमेंट्स। भारतीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 5 जुलाई 2020 को भारत में अपना पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया। यह ऐप शुरुआत में 8 भाषाओं में उपलब्ध है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया ऐप के फीचर्स को जोड़कर एक ही ऐप में उपलब्ध कराना है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसे सुपर सोशल मीडिया ऐप के तौर पर पेश किया गया है। इस ऐप के जरिए चैटिंग के साथ साथ ई कॉमर्स सर्विसेज भी ली जा सकेंगी। एलिमेंट्स को 1000 से अधिक आईटी प्रोफेशनल ने तैयार किया है और एलिमेंट भारत में बनी पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप है। इस ऐप को खास बात यह है कि यह यूजर्स की परमिशन के बिना उनका डेटा किसी तीसरी पार्टी को नहीं देंगे। इस ऐप को आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च किया गया है। तो एलिमेंट्स किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। अगली जानकारी में चलें तो खेल मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप्स योजना शुरू कर दी है। टॉप्स योजना का मतलब है, फुल फॉर्म है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। हमारा देश ये चाहता है कि 2028 तक देश में इतने ओलंपिक चैंपियन तैयार किए जा सके कि ओलंपिक में भी भारत का झंडा ऊपर लहराए। तो हाल फिलहाल टॉप स्कीम जो है वो जूनियर स्तर के खिलाड़ियों के लिए भी लॉन्च कर दी गई है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और फिर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। अच्छी योजना है। हाल ही में खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही वर्ष 2028 तक देश को ओलंपिक चैंपियन बनाने के उद्देश्य से जूनियर एथलीटों के लिए भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरुआत करेगी। अभी तक ये स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध थी जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं या जिनके अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी संभावना है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ सीनियर खिलाड़ियों के लिए था। इसके अगर आप इतिहास पे जाए तो टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की जो शुरुआत है वो 2014 में राष्ट्रीय खेल विकास कोष यानी कि नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड के तहत हुई थी। इसका लक्ष्य ओलंपिक खेलों में पदक जीतने की संभावना रखने वाले एथलीटों की पहचान कर उन्हें ओलंपिक की तैयारी के लिए समर्थन एवं सहायता देना है। ऐसे खेल जिनमें भारत के ओलंपिक में पदक जीतने की संभावना है को उच्च प्राथमिकता वाले खेलों की सूची में रखा गया है, जो इस प्रकार है, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग, टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती, तीरंदाजी और मुक्केबाजी। उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के अलावा अन्य खेलों को राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब तक यह योजना केवल सीनियर एथलीटों तक ही सीमित थी, किंतु अब सरकार ने इस योजना का विस्तार जूनियर एथलीट तक करने पर विचार कर रही है। दो बातें जो इस स्लाइड पर इंपॉर्टेंट है वो ये, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट, टॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। कब तक इसका टारगेट किया गया है? 2028। और इसमें उच्च प्राथमिकता वाले कितने खेल शामिल हैं? 9, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी वगैरह। अगले प्रश्न पर चलते हैं और यह प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था, भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूह के माध्यम से ऋण मिलेगा। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन राज्य स्तर पर योजना को लागू करने के लिए समन्वय करेगा, लेकिन कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी जिला स्तर पर इसका समन्वय करेगी। इस उद्देश्य के लिए 1,040 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों में कई बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की लगभग 7,000 शाखाएं कार्यान्वयन में समन्वय करेंगी। राज्य कृषि ऋण नियमों के दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण की राशि पर ब्याज दर और सब्सिडी तय की जाएगी और यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल यानी कि नाबार्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, सहयोग से आएगी। अब बात उड़ीसा की छिड़ी तो उड़ीसा शुरू कर रही है बलराम योजना, लेकिन अभी हाल फिलहाल उड़ीसा क्यों चर्चा में रहा? हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, अंग्रेजी में बात करेंगे। द स्टेट कैबिनेट ऑफ उड़ीसा है अडॉप्ट, अभी हाल ही में उड़ीसा ने अपना राज्य गान अपनाया है और वो है वंदे उत्कल जननी। ये
मदर उत्कल एज ए एंथम, यानी कि उन्होंने अपना स्टेट एंथम बनाया है वंदे उत्कल जननी को। सीएम नवीन पटनायक जी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में उड़ीसा पुलिस को पहली बार स्टेट की पहली वर्चुअल पुलिस यानी आवासीय पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट किया और इस तरह से करने वाला उड़ीसा पहला राज्य रहा। सी विजिल एंड वोटर हेल्पलाइन नाम के दो ऐप हैं जो उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं और इनको ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है इस बार 2019 के लिए। ये सभी भुवनेश्वर से हैं। भुवनेश्वर जो है ये पहला एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जो था वो भुवनेश्वर में हुआ। मिंती मिश्रा ये ओडिशी डांसर है, उड़ीसा से बिलोंग करती, इनका भी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 8 बार के नेशनल अवार्ड विनर मनमोहन मोहापात्रा, बहुत बड़े फिल्मकार थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये भी आपके उड़ीसा से संबंधित थे। दूसरा बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 जो है ये भुवनेश्वर में हुआ और ये नवीन पटनायक जी ने शुरू किया था। यानी कि बिम्स्टेक देशों के जो संबंध है, बिम्स्टेक देशों में जो समूह है उनका सभी का मिलकर एक आपदा प्रबंधन एक्सरसाइज हुआ था, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, दूसरा एडिशन था। इंडिया जो है वो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप किक ऑफ द ड्रीम नामक थीम के साथ आपका इस बार मेजबानी करेगा अंडर 17, इसमें उड़ीसा में भी इसके कुछ मैच खेले जाएंगे। उड़ीसा जो है ये पहला स्टेट रहा जिसने SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए एक डिपार्टमेंट ही बना दिया। उस डिपार्टमेंट का नाम रखा गया मिशन शक्ति। मिशन शक्ति का संबंध उन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को सहायता देने के लिए किया गया है जो महिलाएं मिलकर खुद से कुछ काम करती हैं, तो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है। कोरोना वायरस के दौरान सीएम नवीन पटनायक जी ने मो जीवन नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया था ताकि लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाया जा सके। उन्होंने अपने पिता पर एक बुक लिखवाई थी, एक बुक लॉन्च की थी, द एडवेंचर्स ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट बीजू पटनायक के ऊपर ये बुक थी। उड़ीसा सरकार ने यूनिसेफ के साथ अभी कोलैबोरेशन किया है मो प्रतिभा योजना के लिए लॉकडाउन के दौरान, ताकि जो बच्चे हैं उनको इंगेज रखा जा सके लॉकडाउन के दौरान। इंगेज रखे मतलब कि उनका जो है वो स्तर गिरे नहीं, वो पढ़ाई की ओर दिमाग लगाते रहे। इसके अलावा पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड जो पाया था वो आपके नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम ने पाया था इस बार, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों की खाने पीने का ख्याल नहीं रखा बल्कि उन्होंने जो जानवर है उनके भी खाने पीने का ख्याल रखा था। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, बीजेडी से सांसद है यानी बीजू जनता दल से। गवर्नर है गणेशी लाल, कैपिटल सिटी भुवनेश्वर। स्टेट ट्री है पीपल, स्टेट फ्लावर अशोक, स्टेट बर्ड यानी कि राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और स्टेट एनिमल है सांबर डियर यानी कि सांबर हिरन। अब बारी है आज के माने न्यूज फटाफट की। क्या आपको पता है कि अमेरिका भी कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है और उसे भी आजादी मिली थी 4 जुलाई सन 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। इस उपलक्ष्य में इस दिन से शहरों में परेड, आतिशबाजी आदि का आयोजन होता है। भारत की ही तरह अमेरिका भी ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा था और जॉर्ज वॉशिंगटन देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, तो 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगली जानकारी, 4 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धम्म चक्र दिवस भी मनाया जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया गया था, उपदेश दिया गया था और उसी की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। गौतम बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश बौद्ध ग्रंथ धर्मचक्र पौवर्तन सूत्र में दर्ज किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साझेदारी में संस्कृति मंत्रालय ने 4 जुलाई 2020 की आषाढ़ पूर्णिमा पर धर्मचक्र दिवस के लिए समारोह आयोजन किया गया। इस दिवस के लिए राष्ट्रपति भवन में समारोह का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। हर साल जुलाई के महीने में पहली पूर्णिमा के दिन धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और जुलाई की पहले पूर्णिमा के दिन भारत को आषाढ़ पूर्णिमा, श्रीलंका में इसे एसाला पोया, बढ़िया नाम लग रहा है ना, एसाला पोया, और थाईलैंड में असला बुचा कहा जाता है। ये सभी वो देश हैं जहां जहां बौद्ध धर्म प्रसारित है। बुद्ध पूर्णिमा या बैशाख के बाद धर्मचक्र दिवस बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अगली जानकारी है, जीन कैस्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नए पीएम के रूप में जीन कैस्टेक्स की नियुक्ति फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा की गई। उन्होंने फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडोल्ड फिलिप की जगह ली जिन्होंने एक सरकारी फेरबदल से पहले अभी इस्तीफा दे दिया था। यह भी न्यूज मैंने आपको बताई थी। यह राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की योजनाओं का एक हिस्सा है ताकि वो अपनी साख को मजबूत कर सकें और एक संभावित फिर से चुनाव में आने से पहले वो फिर से अपने चुनाव में जो उनका कमजोरी पड़ रही है, कई राज्यों में वो हार रहे हैं, वहां पर जीत दर्ज कर सके। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी बात ना मानने वाले एडोल्ड फिलिप से इस्तीफा दिलवाया और उसके बाद बात मानने वाले जीन
कैशटेक्स को अपने यहां प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। नीमू नामक स्थान जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लद्दाख में स्थित है, यहां प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में यात्रा की, सिंधु नदी के किनारे है, जाटकर श्रेणी के पास। हाल ही में कौन सा वित्तीय संस्थान सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ है? तो वह है एशियाई विकास बैंक। धर्मचक्र परिवर्तन किस धर्म में प्रसिद्ध उत्सव है? तो यह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध उत्सव है, हाल ही में 4 जुलाई को मनाया गया। एलिमेंट्स ऐप किसने लॉन्च किया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, देश का पहला सुपर सोशल मीडिया ऐप। सभी निजी यात्री रेलगाड़ियों कितने में क्लस्टर में चली जाएंगी? 12 क्लस्टर में चलाई जाएंगी। 151 रेलगाड़ियां लाने की बात की गई है। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लीन डैन ने 4 जुलाई को बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के लिए खेलते हैं? वह चाइना के लिए खेलते हैं। प्रिया टकराल को उनके रिसाइकलर ऐप के लिए अभी कौन सा पुरस्कार दिया गया? डायना पुरस्कार। भारत पुन्नू ने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका वीरैम 2020 के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड पर 3रा स्थान हासिल किया। अमेरिका प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं जीन कैशटेक्स। व्लादिमीर पुतिन ने अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के साथ वो अगले दशक के मध्य तक यानी 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए तैयार है। भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए राज्य सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। ये किस राज्य की है? ये उड़ीसा सरकार की है। अब बारी है आज के क्विज की। एलिमेंट्स ऐप किसने लॉन्च किया है? हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। नीमू नामक स्थान जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यहीं पर प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में दौरा किया था। हाल ही में कौन सा वित्तीय संस्थान सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ है? तो यह है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, यूरोपियन यूनियन बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी इसके संस्था के सदस्य है। धर्मचक्र परिवर्तन किस धर्म का प्रसिद्ध उत्सव है? तो यह 4 जुलाई को मनाया गया और यह बुद्धिज्म यानी कि आपका बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध उत्सव है। सभी निजी यात्री रेलगाड़ियों को जो कि 151 है संख्या में, वो 12 क्लस्टर में चलाई जाएंगी। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लीन डैन ने 4 जुलाई को बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की। वो किस देश के लिए खेलते थे? वो चाइना के लिए खेलते थे और बैडमिंटन खेलते थे। किसको अभी हाल ही में रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 का डायना पुरस्कार दिया गया है? तो उनका नाम है प्रिया ठकराल। हाल ही में वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका के 2020 के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड पर 3रा स्थान किसने हासिल किया है? तो उनका नाम है भारत पुन्नू। अमेरिका प्रत्येक बार अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? हर साल 4 जुलाई को मनाता है। 4 जुलाई सन 1776 को ब्रिटेन से उन्हें आजादी प्राप्त हुई थी। किसको फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है जीन कैशटेक्स। किसने अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? रूस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है, तो वो हैं आपके व्लादिमीर पुतिन। भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस राज्य सरकार ने बलराम योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार की योजना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखता हूं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।